गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 17 कश्मीर के बारे में समझेंगे। कश्मीर के कविता के कवि का नाम है वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र मिश्रा का जन्म हुआ था 1933 में और मृत्यु हुई थी 1999 में। वीरेंद्र मिश्रा जी का जन्म मोरेन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है, छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। तो यहाँ हम कविता समझेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली पंक्ति में लिखा है कि जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। तो इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि सन 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 सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिनाई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। तो इसका अर्थ है कि पहली पंक्ति का कि सन सन सनन सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन। तो इसका अर्थ है कि वहाँ सन 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 करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हो। और यहाँ शालीमार का अर्थ है कि सैर सपाटे पर आए हुए यात्री लोग। तो यहाँ लिखा है कि उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, यानी कि सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। तो यहाँ मालिन का अर्थ है कि माली का काम करने वाली स्त्री और बजरी का अर्थ है कि कंटीली घास। तो यहाँ लिखा है कि भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिनाई, इसका अर्थ है कि चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट सहनाई से निकले हुए मधुर स्वर मधुर आवाज की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भोर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है, यानी कि जमीन जमीन पर पृथ्वी पर धरती पर धरती में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। मालिन यानी कि माली कोई स्त्री जो माली का काम करती है, वह लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील किनारे यानी कि सरोवर के किनारे अपनी डलिया से धूप विकाल निकाल कर बजरी पर बिखर रही है, यानी बजरी यानी कि कंटीली घास पर बिखर रही है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है यहाँ कि जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिढ़रीम है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। इसका अर्थ है कि जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिढ़री में, कभी हवा आ जाती है, नई गजल छा जाती है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ जंगलों में तितलियों और टिढ़रियों में स्पर्धा लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगल से गजल के स्वर यानी कि गजल की आवाज़ सुनाई देने से लगते हैं।
आगे की पंक्ति में लिखा है कि तब मखमली गलीचों पर, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नीलगगन की छतरी में। तो इसका अर्थ कि जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई धूप ऐसी लगती है मानो जमीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हैं वो, और यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे कि बंसी के मधुर स्वर वातावरण में भिन जाता है, यानी कि चरवाहे की बंसी से जो आवाज़ निकलती है, मीठा मीठी आवाज़, वो मीठी आवाज़ वातावरण में छा जाती है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि पलछिन किसी बहाने से, गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है, दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से, चांद छुपाए बदली में। तो इसका अर्थ है कि पलछिन किसी बहाने से, गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात कहाँ जहाँ है, दूर खड़े वीराने से। तो इसका अर्थ है कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है, वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। ठीक है, आगे की पंक्ति में लिखा है कि चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से, चांद छुपाए बदली में। तो इसका अर्थ है कि यहाँ ठंडे पानी के, यहाँ लिखा चश्मे जहाँ हिमानी है, यानी कि यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत है, अनेक साधनों है, समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हो कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है, छुप गया है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले सिकारे संग में, चल दी बागों की परछाइयाँ, प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ के नील सवसरी में। तो इसका अर्थ है कि झीलों और सरोवरों के, झीलों और सरोवरों के जल अटखेलिया करते से लगते हैं, उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है, उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर के जल में तैरते बजरे, यानी कि बड़ी नावें हिलते डुलते हैं तो वे अंगड़ाइयाँ सी लेती नजर आती है। पानी पर शिकारे, शिकारे यानी कि यहाँ लिखा है ना, चले शिकारे संग में, चल दी बाघों की परछाइयाँ। तो यहाँ पानी पर शिकार यानी कि लंबी नावें चलती है तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है, और शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है, यानी कि बड़ी लंबी नावों के जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है, चल रही हो ऐसा लगता है। आगे की पंक्ति में लिखा है प्रेम कथा ये विलहण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की झील मुसहरी में। तो इसका अर्थ है कि विलहण यानी कि एक प्रेमियों का नाम है विलहण, प्रेम कथा है विलहण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। तो इसका अर्थ है कि इस भूमि पर, इस जगह पर, जगह जगह विलहण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं, ऐसा माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं है मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है, देवदारों की छाहों में,
मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। इसका अर्थ है कि यहाँ कि अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है, देवदारू की छाहों में। इसका अर्थ है कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा है, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में, हमारा तिरंगा झंडा शान से फहर रहा है। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। इसका अर्थ है कि हमारा तिरंगा झंडा शान से फहर रहा है, यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाह है, यानी कि खराब नज़र है, समस्या जटिल है, पर हे वीर जवानों तुम पर हे वीर जवानों तुम सतर्क रहो, तुम सावधान रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच ना आने पाए, हमारे कश्मीर पर कोई नुकसान ना आए। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। इसका अर्थ है कि आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आई आपके 17 पोएम कश्मीर पूरी होती हैं।